अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल रिम्स लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो गाइज, आज का वेडिंग व्लॉग आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आ जाता है इवेंट नंबर 1। अडोल की हुई थी 25 फरवरी को, और यहाँ पे मैं अपनी ओल्ड वन नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ वाइप्स के थ्रू, और न्यू वन मैंने रेड वाली नेल पेंट लगाई क्योंकि ये सब आउटफिट्स पे चल जाएगी। और यहाँ पे सोया सॉस वाली बोतल में सरसों के तेल मैंने डाल के रखा है अपने ऑयलिंग की, अपनी बेबी की ऑयलिंग की। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लीच करने लगी हूँ, पीच साशे मैंने मंगवा दी थी केयर पीच नाम से, और वैसे तो मैं पार्लर से करवा देती हूँ लेकिन इस बार टाइम ही नहीं मिला तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ। बहुत देर से बाद मैंने ये वाले यूज किए। पैकेट में 20 वाले पैकेट में आपको 3 साशे मिलते हैं, एक जो है वो पाउडर होता है, एक क्रीम होती है और एक शैम्पू फ्री मिला था। तो यहाँ पे मैं ब्लीच बना रही हूँ, और आप चाहें तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन मैंने जब यूज किया तो एक इनफ था मेरे फेस और हाथों और पैरों के लिए। और ये मैंने बहुत देर से बाद ब्लीच किया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। वैसे तो मैं कभी कभी यूज करती हूँ ब्लीच अपने फेस पे पार्लर से ही करवाते जब कोई ओकेजन होता है, लेकिन बहुत टाइम बाद मैंने यूज किया, शायद इसी वजह से रिजल्ट अच्छा आया। खैर, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखा रही हूँ आज का। और यहाँ पे ये कपड़ा मैंने अलग से लिया था साइमा कपड़े वाली से, और यहाँ पे ये जो स्लीव्स आप लोग देख रहे हैं ये अलग से थी, और शर्ट का कपड़ा अलग था, ट्राउजर का अलग था पर्पल कलर का, दुपट्टा मैंने अलग से हैदराबाद से लिया था, और ये गला अलग किसी का है। तो सब चीजों को कंबाइन करके लेसेस वगैरह लगा के एक आउटफिट तैयार किया गया डिटो कैटलॉग के जैसा। और यहाँ पे ज्वेलरी भी मैंने रखी है जो कि मुझे पीआर पैकेज में आई थी। सो ये ड्रेस मैंने हार्डली एक टाइम ही पहना था तो मैंने सोचा इसमें यूटिलाइज कर लूँ। और अपनी बेबी का मैंने ये वाला आउटफिट निकाला जो कि बेबी ने ऑलरेडी मेहंदी पे पहना हुआ था मेरी कजिन के, और उसके बाद नहीं पहना हुआ था, और बच्चों के कपड़े वैसे भी जल्दी छोटे हो जाते हैं तो मैंने सोचा ये उसके लिए यूटिलाइज कर लूँ। अच्छा, तो ये शादी बेसिकली मेरे ससुराली साइड जो रिलेटिव हैं मेरे घर के बिल्कुल साथ ही रहते हैं उनकी थी, उनके बेटे की थी, और ये रिश्ते में मेरे हस्बैंड की कजिन हुए तो यानी कि मेरे देवर थे, तो उनकी शादी थी। और मेहंदी तो घर पे थी, छत पे उन्होंने सारा डेकोरेट किया हुआ था, और ये इनका घर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था, अंदर से भी अच्छा बनवाया हुआ है। बस आप लोग माशाल्लाह जरूर बोलिएगा और दुआ कीजिएगा कि दूल्हा दुल्हन के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे बेबी जो है वो अपने दिखा रही है चूड़ियां वगैरह और बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह कहिएगा जरूर। अच्छा, इससे पहले ना शाम को इन्होंने संग भी रखा था जिसमें लड़के एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। खैर, उसके बाद रात में लेडीज का फंक्शन था, हम लोग यहाँ पे तैयार शहर होके आ चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फंक्शन स्टार्ट होने में बहुत देर थी तो हमें कराची निकलना था, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो हम छत पे मैं देख के आए थे, बड़ा अच्छा सा सेटअप था लेकिन वो शूट नहीं कर पाई। आ जाता है सेकंड इवेंट, 2 मार्च को मेहंदी थी लड़की वालों की तरफ से, तो हम बेबी को ये ब्लैक वाला फ्रॉक पहनाने जा रही हूँ, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन था। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल रेडी किया, बेबी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ब्लैक में। और जी, यहाँ पे मैंने अपना ये वाला जो है सैंडल पहना न्यू वन, और ड्रेस मैंने ये वाला पहना था, ये आप लोगों ने ऑलरेडी शायद देखा होगा। हम लोग दूल्हे वालों के घर आ चुके हैं और यहाँ से मेहंदी वगैरह लेके हम लोग दुल्हन के घर जाएंगे। और यहाँ पे सारी गाड़ियां निकल चुकी हैं, हम लोग बारात लेके जा रहे हैं लड़की वालों के घर। तो जी लीजिए, हम लोग एक साथ यहाँ पे आके पहुंच चुके हैं लड़की वालों के घर, बस इकट्ठे हो गए, अब मूवी शूवी होगी, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे छत पे। इन्होंने सारा सेटअप किया हुआ था क्योंकि अपने अपने ही लोग थे, मतलब लिमिटेड लोगों में फंक्शन था, तो उन्होंने अपने छत पे बड़ी अच्छी सी डेकोरेशन वगैरह करवा ली। और यहाँ पे जी सारे दूल्हे वाले जो है मेहंदी लेके आए हैं। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने में कोरमा था और जर्दा था, और इसके अलावा फिर हुई पार्टी शुरू। यहाँ पे डोलारी आ चुके हैं वन बाय वन करके, पहले ब्राइड आई, फिर ग्रूम आया, और फिर बहुत ही हल्ला गुल्ला हुआ, सबने डांस किया, बड़ा मजा आ रहा था उस दिन। और अपना अपना की फंक्शन में बड़ा मजा आता है। और यहाँ पे मेरी बेबी देखे आप लोग, इंजॉय कर रही है, इसको पता नहीं क्यों मेहंदी से इतना प्यार है, ये जब भी शादी में चलती है तो इसी तरह बस मेहंदी इसको हाथ में चाहिए, उसको एक्टिविटी करनी हो। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि बस जल्दी से घर जाएं क्योंकि रात लेट हो चुकी थी, 3 बज चुके थे। खैर, अब नेक्स्ट डे 3 मार्च को 3rd इवेंट होता है जेंट्स का निकाह, और जेंट्स का निकाह मकली वाली जो नई मॉस्क है वहाँ पे हुआ था। उसके बाद इवेंट नंबर 4 जो था 4 मार्च को, और जेंट्स का वलीमा सबसे पहले होता है हमारे यहाँ, तो जेंट्स में मेरे हस्बैंड तैयार शहर होके जा रहे थे, मैंने थोड़ी बहुत सिनेमेटिक शॉट्स लिए उनके और फिर वो चले गए। उसके बाद ये रात में लेडीज का फंक्शन था, आ जाओ ना तो सही ऐसी मन के है सच्चे तुम हो सितारों के परे हुई गलती सारे हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी।
और आज मैं सोच रही हूँ रात में ये वाला ड्रेस पहनने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी ब्लू पहनेंगे फुल सूट, तो मैंने अपना एंगेजमेंट ड्रेस निकाला तो मैं भी ये वाला पहनूंगी। यहीं पे यूटिलाइज होंगे इसे बाहरी ड्रेसेस अपनों अपनों की शादी में, वरना वैसे ही तो पड़े रहते हैं, इनको इग्नोर ही करते हैं हम लोग। तो जी यहाँ पे मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है और मैंने अच्छी तरह से सारे ड्रेसेस यूटिलाइज किए 2-3 दफ़ा पहन पहन के, और यहाँ पे हील्स हैं। और जी यहाँ पे चूड़ियाँ मस्ट हो रही है, थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा था कि मैं दुल्हन ना बन जाऊँ, लेकिन खैर है अपनों की शादी में ऐसा चलता है। और यहाँ पे बेबी का ग्रे ड्रेस मैंने निकाला और ये फ्रॉक बड़ा प्यारा सा था, उसके साथ मैंने ये मैचिंग से इसके न्यू जो मैंने शूज़ लिए थे वो, और ये चेन इसको पहनाऊंगी जो कि मेरी है और इसको पहना लूंगी, और ये चूड़ियाँ और ये क्राउन मैंने सोचा बेबी ने बर्थडे पे नहीं पहना था लास्ट बर्थडे पे, तो फिर मैंने सोचा इसको पहनाऊं, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी और क्राउन खुशी से इसने पहना। तो जी शादी जो थी वो जमजम लॉन में थी और रिसेप्शन जो था और यहीं से रुखसती होगी, तो अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, एंट्री हो रही है और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की भी एंट्री होगी। दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो चल रही है, और जैसे ही ये खत्म होगी तो लाइट्स वगैरह ऑन होंगी, उसके बाद ही खाना शाना लगेगा, हल्ला गुल्ला होगा। तो अभी बड़ा अच्छा सा सेटअप यहाँ पे चल रहा था एंट्री का, तो मुझे अपनी वाली एंट्री याद आ गई। उसके बाद खाना लगा, खाने में मल्टीपल चीज़ें थी, चिकन कौरमा था, चिकन वाइट पुलाव और जर्दा था, गाजर का हलवा, सब्जी में बे थे, कलेजी थी। और यहाँ पे बेबी अपने बाबा के साथ है माशाल्लाह ज़रूर कहेगा, और हस्बैंड ने अपने वलीमे का ड्रेस पहना, मैंने अपने इंगेजमेंट का, तो दोनों का सेम कलर था। उसके बाद ही लड़कों ने बड़ी अला गुला की, डांस वगैरह जितने भी साइड के थे दुल्हन वाले दुल्हे वाले, उन्होंने मिक्स में डांस की, बड़ा इंजॉय किया। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं। अच्छा लड़कों का ना डांस हम लोग भी यहाँ पे बैठ के बड़े एंजॉय कर रहे थे, और बस सारे लोग चले गए थे, हम लोग अपने अपने ही थे, बातें शातें कर रहे थे, और हम लास्ट इवेंट था आज इसका, और हमने सोचा कि बड़ा सबके साथ बैठे रहे, एंड तक बैठे रहे हम लोग, जब तक हॉल नहीं खाली हो जाता सब साथ बैठे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे इवेंट नंबर 5 आ जाता है, 12th मार्च को मेरी फ्रेंड है उनके भाई दोनों भाइयों का रिसेप्शन था, सो आज ये दूसरी शादी है, इसके साथ ही मैंने अटैच कर दी है ताकि ये एक पूरा वेडिंग ब्लॉग बन जाए। सबसे पहले मैंने सुबह में अपने हेयर ऑयलिंग की और बेबी की मैंने थोड़ा सा बाउल में डाल के ऑयल और नीम गरम किया माइक्रोवेव में। उसके बाद जी मैंने सोचा अपने हेयर्स पे तो ऑयलिंग कर दिया, अब मैं अपना फेस भी प्रिपेयर कर लूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिरेकल ग्लो का ब्राइटनिंग फेस मास्क, और इसकी पैकेजिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये मुझे PR पैकेज में रिसीव हुआ था, तो उसका बॉक्स जैसे ओपन करते हैं लिखा हुआ होता है हेलो ब्यूटीफुल, और इनकी जो ये पूरा एक जार है बड़ा अच्छा सा है, के साथ सीरम भी था जो कि मैंने यूज़ कर दिया था। एक्चुअली में ये पाउडर्ड में है ना, तो ये लगाने वक्त बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है, गिरता रहता है और मुझे बड़ी उलझन सी होती है, इसलिए मैं इस तरह के मास्क मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं यूज नहीं करती। मुझे ना क्रीम फॉर्म में मास्क जो है वो बड़े इजी लगते हैं अप्लाई करने में, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया और इसके रिजल्ट मुझे मिले बड़े अच्छे से रिजल्ट थे, तो मैंने हैरान हो गए कि मैं क्यों अप्लाई नहीं करती रहती। तो खैर अब यहाँ पे मैं अपने 2-3 स्कूप इसमें बाउल में ऐड करके इनको पानी से हल करके अच्छे से पेस्ट बना दूंगी, और उसके बाद अपने पैरों पे हाथों पे और फेस पे लगा लूंगी ताकि जो है थोड़ी बहुत फ्रेशनेस आ जाए, रात को शादी में जाना है, मेकअप भी अच्छा सा हो जाएगा, ग्लो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ब्रश की मदद से मैंने अपने पैरों पे जो है वो उसको अप्लाई किया, के डायरेक्शंस में इस तरह लिखा हुआ था कि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने मसाज करना है और उसके बाद आपने रिंस ऑफ करना है। तो जैसे है मैंने रिंस ऑफ किया, यकीन करें मेरे पाँव इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, इतने ग्लोई हो गए थे, और मैंने वही सेम हाथों पे और मुंह पे भी अप्लाई किया तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले और चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था। तो आज रात को मैं ये वाला ड्रेस पहनने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत लाइट है लेकिन सही है, डिसेंट लगेगा, ये मैंने कभी नहीं पहना, ये मैंने जो है
के कपड़ों में से सिलवाया था। और यहाँ पे आप लोग देखे मैचिंग वगैरह सारी रखी हुई है। सो एक्चुअली मैं ये ड्रेस मैं क्यों पहन रही हूँ, क्योंकि मेरी बेबी का जो फ्रॉक है वो भी इसी कलर का है। तो मुझे याद आया कि मेरे पास इसी कलर का ड्रेस रखा हुआ है, तो क्यों ना हम आज माँ बेटी ट्विनिंग कर ले। सो यहाँ पे बेबी का फ्रॉक रखा हुआ है और आज हम माँ बेटी दोनों सेम कपड़े पहनेंगे। तो सारी ज्वेलरी और चीजें मैंने निकाल के रख दी हम दोनों की। और वैसे भी कभी कभार ऐसे लाइट कपड़े पहनने में मजा आता है और बंदा अच्छा भी लगता है, तो इस तरह लाइट कलर और लाइट ड्रेस मैंने कभी नहीं पहना हुआ था। शादियों में अमूमन तौर पे हम लोग डार्क कलर्स पहनते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा सा लग रहा था। यहाँ पे हम दोनों माँ बेटियों की वीडियो आ गई। उसके बाद ये शादी जो थी और शाह नजब शादी हाल में थी और बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है, तो इसलिए लाइट्स ऑफ कर दी। पहले एक दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई, उसके बाद दूसरे कपल की हुई, तो बारी बारी करके हुई। और इनकी शादी माशाल्लाह बहुत ही अरसे से चल रही थी, बड़ा मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि एक कराची की थी दुल्हन और एक सजावल की थी, तो बारात कभी इधर कभी उधर, मतलब बहुत सारे फंक्शन हुए इनके। आज इनका भी लास्ट फंक्शन था। और इस शादी में एक ये बात थी कि इतनी ज़्यादा रश थी, मैंने हालांकि बचपन से लेके ठट्टा के अब तक शादी अटेंड किए हैं, कभी किसी शादी में इतनी रश नहीं देखी, लेकिन इस शादी में इतनी ज्यादा रश, मतलब माशाल्लाह इतने लोग थे, सारा हॉल भर गया, सारी सीटें फुल हो गईं, और जो बची कुछ जगह थी वहां पे भी औरतें खड़ी हुई थी, उनको जगह नहीं मिल रही थी। तो खैर उसके बाद ये शादी में खाना लग चुका है, और शादी का खाना बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे जो है जर्दा है, चिकन कौरमा है और चिकन बिरयानी और नान, तो बस खाना वाना खाने के बाद फिर भी रश कम हुआ, उसके बाद हम लोग भी निकल गए। तो जी आज का व्लॉग इतना था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।